गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज मैं एशियन कंट्रीज स्पेशली इंडिया के रेफरेंस में रिसर्च शेयर करूँगा। यहाँ पब्लिक सेक्टर द्वारा, सरकारों द्वारा, सेंट्रल स्टेट्स गवर्नमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी भरकम पब्लिक अकाउंट से पैसे खर्च कर रही हैं। जन खाते से टैक्स का बड़ा भाग शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर पानी तरह बहा रही हैं। उसका यूटिलिटी स्तर क्या है वो लगभग लोगों को पता बहुत ज़्यादा नहीं है। निम्न स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जनता तक पहुंची हैं वो पूर्ण रूप से कंपेटिटिव प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए, और जो वो बड़ा हिस्सा है वो लोगों को नकदी के रूप में हेल्थ और एजुकेशन के लिए, बाकी उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में झोंक दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत यहाँ हेल्थ और एजुकेशन को नहीं कि एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट और बाहरी फाइनेंस से इंडस्ट्री रूप में किया जाना ज़रूरी है। जैसे यूरोप के देश आगे बढ़े थे, कृषि सुधार उनकी प्राथमिक प्राथमिकता रहा और कृषि ही भारत की तस्वीर बदल पाएगी। अभी वह निवेश के नाम पर ऊँट के मुँह जीरा के समान है। इन्वेस्टमेंट खेती में कुछ नहीं है। राजस्थान, गुजरात जैसे बड़े भूभाग, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, हरियाणा और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो भी पूरा देश कृषि में भारी परिवर्तन की मांग कर रहा, भारी सहायता की मांग कर रहा है। जब वहाँ कृषि क्षेत्र में पैसा जाएगा तो मजदूरों के पास भी आय अपने आप बढ़ेगी और बाजार की ताकत भी बढ़ेगी। मैं इसके लिए विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा, सरकारों से पहले मैं अर्थशास्त्रियों से और आम निष्पक्ष शोधार्थियों से, ये जन हित तो राष्ट्रहित की बात है कि इसी धन को उठाकर अगर इसका ट्रांसफॉर्म इसको किया जाए, अगर उधर किया जाए तो किसानों, मजदूरों के पास और व्यापारियों के पास जो बड़ा पैसा पहुँचेगा, ताकि हेल्थ और एजुकेशन में बड़ी संख्या में तो खुद स्वयं लोग ले पाने में सक्षम होंगे, और जो लोग उसके बावजूद भी यदि पूर कंडीशन रह जाती है कि मतलब थोड़े पिछड़ जाते हैं आर्थिक रूप से, तो उनको ज़रूर सहायता दे दी जाए। इससे वर्तमान संसाधनों का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार के जो अधिकारी हो, राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को इधर उधर नियुक्त कर देना, मिसमैनेजमेंट बड़े पैमाने पर है जिससे इन संस्थाओं की शाख को धक्का लगा है। काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जो उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य कर रही, परंतु वो काफ़ी नहीं है। बेहतर ढंग यही है, सिर्फ उनको आदान नहीं बनाया जा सकता। तो इस रिसर्च पर आप अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए और इसको आगे बढ़ाएं ताकि जनहित हो सके। धन्यवाद।